इंतजार खत्म और हमें आ चुका है हमारा रॉयल क्लच का RK84 कीबोर्ड। तो आज इस वीडियो में हम इसको अनबॉक्स करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि क्या ये हमारी एक्सपेक्टेशन पे खड़ा उतरता है या नहीं। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स ओपन दिस बॉक्स। तो आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे कि हमारे इस बॉक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें हमें मिली हैं विद द कीबोर्ड। और जैसे ही हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे मैं हर चीज़ को डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। और ये वीडियो में एक दो महीने के यूज़ के बाद बना रहा हूँ जिससे कि मैं आपको एक क्लियर रिव्यू भी दे पाऊँ कि क्या इसको 6,000 रुपये में ख़रीदना 6,000 में ख़रीदना वर्थ इट है या नहीं। तो लेट्स स्टार्ट कि हमें बॉक्स के अंदर क्या क्या मिला है। सबसे पहले ये यूज़र मैनुअल हम पढ़ेंगे जिसमें कि आप देख पा रहे होंगे कि एक कीबोर्ड है, 1 pair ऑफ मैग्नेट है जिससे कि हम हाइट बढ़ा सकते हैं अपने कीबोर्ड की, एंड टाइप सी केबल है जिससे कि हम इसको वायर्ड मोड में यूज़ कर सकते हैं, और यूज़र मैनुअल है। एंड आप ये देख सकते हैं ये एक स्टैंड है जिससे कि हम, जैसे कि हमारा कीबोर्ड जो है वो हॉट स्वैपेबल है, मतलब कि हम अपने कीज़ को चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर नीड, जो भी हमें पसंद है। ठीक है, सो ये हो गई बेसिक इंफॉर्मेशन कि हमें क्या क्या मिला है इसके साथ। और अब मैं थोड़ी सी डिटेल में बात करूं कि ये कीबोर्ड की बैटरी क्या है, इसके क्या क्या फीचर्स हैं। अगर हम इसके फीचर्स की बात करें थोड़ी, तो ये जो हमारा कीबोर्ड है इसकी जो बैटरी है वो है 3750 mAh की। तो अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस ये 2 हफ्ते आराम से जल जाता है विद RGB अगर हम यूज़ करें और इन ब्लूटूथ मोड। और एंड इन द ब्लूटूथ मोड हमें, हमारे पास साइमल्टेनियसली हम 3 devices को एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं विद मोबाइल, TV, लैपटॉप, एनीथिंग। मैं अपने ऑफिस के काम के लिए इसको मोस्टली यूज़ करता हूँ। एंड इसमें 84 keys हैं इफ़ यू आप काउंट करेंगे तो। एंड ये हॉट स्वैपेबल डिज़ाइन है, मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप इसके कीबोर्ड्स कीज़ को चेंज कर सकते हैं। और आप ये देख सकते हैं कि हम इसको भी निकाल सकते हैं, इसका फ्रेम जो है जिससे इसका लुक जो है थोड़ा और क्रिस्पी हो जाता है और सेक्सी हो जाता है, जिसको मैं आपको वीडियो में आगे और अच्छे से इसके शॉट्स दिखाऊंगा। एंड इसके बाद इसमें 3 मोड कनेक्टिविटी है, लाइक ब्लूटूथ हो गई एक, तो एक हो गया वायर्ड और एक हो गया USB। अगर आप देखेंगे इसके पीछे ये USB लग गया है, हम USB के थ्रू भी इसे कनेक्ट कर सकते हैं। जिस भी लैपटॉप में USB पोर्ट है हम उसमें कर सकते हैं। तो मेरे जो मैकबुक है उसमें USB पोर्ट नहीं था, तो मैं ब्लूटूथ से इजीली कनेक्ट कर सकता हूँ। सो आप देख सकते हैं ये जो बटन है, इट इज़ फॉर ऑन एंड ऑफ ऑफ द कीबोर्ड, एंड दिस इज़ टू स्विच द मोड। लाइक एक होता है ब्लूटूथ मोड और एक होता है दिस USB मोड जो भी है इसका, तो हम दोनों से इसको कनेक्ट कर सकते हैं। देन अदर देन दैट ये फुल RGB बैकलेट वाला कीबोर्ड है जिसमें कि हमारे पास लाइट्स जलती हैं सारी कीज़ में, एंड वो भी मल्टी कलर से, जैसे कि आप अभी देख पा रहे हो कि इसमें मल्टीपल लाइट्स है। हम FN और होम की मदद से इसका पैटर्न चेंज कर सकते हैं, और कलर को चेंज करने के लिए हम FN और N को दबाएंगे तो इससे कलर चेंज हो रहा है लेकिन पैटर्न वही है। अगर इन दो इसको दबाएंगे हम होम के साथ तो पैटर्न भी चेंज होगा। ठीक है, इसकी मोर डिटेल और बहुत अच्छे शॉट्स मैं आपको आगे वीडियोस में दिखाऊंगा। एंड इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ये 2 USB पोर्ट्स के साथ आता है जिसको कि हम यूज़ कर सकते हैं फॉर चार्जिंग पर्पस, नथिंग अदर देन दैट। और ये पोर्ट्स भी तभी चलते हैं जब ये वायर्ड मोड में कीबोर्ड यूज़ हो रहा हो। ठीक है, और इसके अलावा ये मैक और विंडोज दोनों में सपोर्ट करता है। एंड इसका वेट लगभग 1 किलो से, तो 1 किलो के बराबर ही होगा। सो मैं अब आपको इसके शॉट्स दिखाऊंगा कि जब इसकी लाइट टर्न ऑन करते हैं तो कैसी दिखती है। बहुत सेक्सी दिखता है कीबोर्ड। एंड उसके बाद हम प्रोज एंड कॉन्स की बात करेंगे जो कि मुझे 1 महीने के यूज़ के बाद दिखे। सो लेट्स मूव टू
द शॉर्ट्स। प्रोज एंड कॉन्स की बात करते हैं कि इस कीबोर्ड के क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं एंड मेरा क्या रीज़न था इसको परचेज करने का और मुझे मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा इस कीबोर्ड के साथ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं आपको रीज़न बताऊं कि मुझे क्यों परचेज करना था, क्योंकि मुझे कीबोर्ड इस कीबोर्ड में जो साउंड आता है, जो मैकेनिकल कीबोर्ड्स में जो साउंड आता है, मुझे बहुत पसंद है। तो दैट्स व्हाई मेरा ये मेन रीज़न था इसको परचेज करने का। सेकेंडरी रीज़न था कि मैं अपने सेटअप में वायरलेस चीज़ों को रखना पसंद करता हूँ, क्योंकि हम जहाँ भी अपना सेटअप बनाते हैं, लैपटॉप कीबोर्ड माउस रखते हैं, मैं नहीं चाहता वहाँ बहुत सारी वायर्स हो, तो मुझे वायरलेस कीबोर्ड लेना था, तो वो भी एक रीज़न है। और तीसरी चीज़ है कि मुझे इसकी लाइटिंग बहुत सेक्सी लगती है, जो कि शाम के टाइम देखने में मज़ा आ जाता है। तो मेरे ये तीन ही रीज़न थे इसको लेने के, और मेरा एक्सपीरियंस अभी तक का बहुत अच्छा रहा है। और मैंने भी लेने के पहले एक दो वीडियोस देखी थी, बट उस वीडियो में कौन था कि अगर मैं इस कीबोर्ड को जिस यूएसबी के थ्रू यूज़ करने वाला हूँ, मतलब इस मोड पे यूज़ करूँगा, तो इसकी जो कनेक्टिविटी रेंज है वो बहुत कम है। बट जब मैंने ये परचेज़ किया तो मुझे नहीं लगा कि इसकी कनेक्टिविटी इतनी भी ख़राब है, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। और इसके अलावा मैं मोस्टली यूज़ करता हूँ ब्लूटूथ मोड, क्योंकि वो ज़्यादा अच्छा है, और ये विंडो और मैक दोनों से कनेक्ट हो जाता है, तो वो भी इसकी बहुत अच्छी खासियत है। और मुझे क्या लगता है कि ये जो हाइट बढ़ाने के लिए दिया हुआ है, ये भी मेरे लिए काफ़ी यूज़फुल था, क्योंकि मुझे थोड़ी सी हाइट कम ही लगती है ये इसकी जो नॉर्मल हाइट है, तो मैं इसको बेसिकली इसके साथ ही यूज़ करता हूँ। जस्ट फॉर द वीडियो पर्पज़ मैंने इसको निकाल के आपको दिखाने के लिए रखा था कि कीबोर्ड के साथ ये भी मिलता है। एंड वायर्ड मोड मैंने बहुत कम टाइम पे यूज़ किया है, जस्ट फॉर चार्जिंग मैं उसको यूज़ करता हूँ, दो हफ्ते में एक बार मैं इसको चार्ज करता हूँ, और बहुत अच्छी इसकी लाइफ है, बैटरी लाइफ भी बहुत अच्छी है अभी तक। तो सो आई थिंक इतने प्रोज बहुत हैं। एंड मैंने ये परचेज किया था जेनेसिस पीसी साइट से, जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप भी वहाँ से परचेज कर सकते हैं अगर आपको खरीदना हो तो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें।